दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है तो यूपी की सियासत पूर्वांचल से होते हुए गुजरती है। बीजेपी का पूरा फोकस यूपी के पूर्वांचल पर है क्योंकि यहां हर 5 साल पर मतदाताओं की पसंद बदल जाती है। ओपिनियन सर्वे के मुताबिक बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही हो लेकिन मिशन 80 का टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा। बीजेपी को पश्चिमी यूपी में भले ही कोई चुनौती ना हो लेकिन पूर्वांचल उसके लिए टेंशन बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव प्रचार थमने से पहले आए ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की हैट्रिक लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर हैं, जहां पर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए 80 लोकसभा सीटों में 68 पर कब्जा जमाती दिख रही है, जिसमें 64 सीटें बीजेपी और 4 सीटें सहयोगी दलों को मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन 12 सीटें ही जीतती नजर आ रही है, जिसमें सपा को 11 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल रही है। यूपी में बसपा का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2024 के चुनाव से सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया, जिसके लिए जाति आधार वाले छोटे छोटे दलों से भी हाथ मिलाया। इसके बाद भी ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक बीजेपी का मिशन 80 टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा। सूबे में बीजेपी के जिन 12 सीटों पर चुनाव हारने का अनुमान है उनमें ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं और इस तरह बीजेपी पश्चिम यूपी में अपना दबदबा बनाए रखने में पूरी तरह से सफल नजर आ रही है, लेकिन असल चुनौती उसे पूर्वांचल में हो रही है। बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की 16 सीटें हार गई थी, जिसमें 8 सीटें पश्चिमी यूपी और 6 सीटें पूर्वांचल की हैं। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को इन्हीं दोनों इलाकों में भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजेपी के लिए पूर्वांचल का इलाका काफी अहम है क्योंकि यहां से देश के प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 मंत्री और योगी सरकार में 13 अन्य मंत्री भी पूर्वांचल से आते हैं। इसके बावजूद यहां की राजनीति पर जाति का खासा प्रभाव है, जिसके लिए बीजेपी के तमाम ओबीसी आधार वाले दलों के साथ गठबंधन किया। अपना दल एस, निषाद पार्टी और सुभाषपा, तीनों का सियासी आधार पूर्वांचल के इलाके में ओबीसी जातियों के बीच है और इसके बाद भी पूर्वांचल में बीजेपी की सीटें बढ़ने के बजाय घट रही हैं। पूर्वांचल में 21 जिले हैं और 26 लोकसभा सीटें हैं। पूर्वांचल के जिन इलाकों में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है उन क्षेत्रों की सियासत जाति के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। 2019 में बीजेपी के खिलाफ सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसका असर इस इलाके में देखने को मिला। बीजेपी को 2014 की तुलना में यहां 4 सीटों का घाटा हुआ और 19 पर जीत मिली। अपना दल को 2 सीटें मिली, वहीं बसपा 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन 2024 में बसपा की सीटों पर सपा कब्जा जमाने के साथ साथ बीजेपी को भी झटका देती नजर आ रही है।